दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार ये देखे होंगे कि कोई भी क्रिकेट मैच में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं या फिर सभी खिलाड़ी होते हैं जो अपने टी शर्ट में एक ब्लैक कलर का बैंड पहनते हैं। शायद आप जानते होंगे कि वो बैंड क्यों पहना जाता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि उस बैंड पहनने का असल मीनिंग क्या है, कब से ये शुरू हुआ था, या फिर बहुत सारे मैच में वो ब्लैक सिंबल ऐसा है जो कि सब कुछ को डिनोट करता है। बताऊंगा मैं दोस्तों, इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। ब्लैक एक्चुअली जो सिंबल होता है वो होता है दिल पे लेने का सिंबल, यानी ब्लैक सिंबल तभी पहना जाता है या तभी दिखा जाता है जिससे आप नाखुश है या फिर आप दुखी है। और ये जो ब्लैक कलर यूज होते हुए आ रहे हैं वो आज की बात नहीं है, ये बहुत दिन पहले से होते हुए आ रहे हैं। और ये क्रिकेट में आज हम और आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का क्लोथ है ये पॉलिटिकली सबसे पहले चालू हुआ था और अभी जाकर क्रिकेट में अटका। क्रिकेट या आप कह सकते हैं फुटबॉल या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में ब्लैक यूज होता है। ये ब्लैक का मतलब सबसे पहले था प्रोटेस्ट। कोई भी चीज अगर आपको खराब लगता है या आप चाहते हैं कि प्रोटेस्ट करना, तो ब्लैक आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो आप कुछ नहीं कर सकते, तो ब्लैक दिखाकर आप प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे होते हैं। आप आज भी देख सकते हैं कोई भी पॉलिटिकल नेता है जब रास्ते से गुजरते हैं और उनका अगेंस्ट में अगर आपका कुछ कहना है और आप नहीं कह सकते तो ब्लैक कपड़ा दिखाते हैं। तो ये ब्लैक क्लोथ का मतलब है कि आप सहमत नहीं है या आप नाखुश है और आप उनके या इस बात के विरोध करते हैं। ऐसे ही ब्लैक होता है सिंबॉलिक सैडनेस का या फिर उदासी का। इसीलिए कोई भी अगर नामज़दा हस्ती हो जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स में किसी का अवदान रहे, तो आप उनके याद में ब्लैक पहन सकते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे कि जयललिता जी कुछ दिन पहले हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी याद में नेक्स्ट जो इंडिया का मैच हुआ था तब सभी लोग ब्लैक कलर का बैंड पहने थे उनके याद में। इसके बाद अटल बिहारी जी का जब देहांत हुआ था तभी भी ऐसा ही हुआ। इवन एपीजे अब्दुल कलाम जी के देहांत के बाद भी ऐसा ही हुआ। साथ में सचिन तेंदुलकर की जो कोच थे उनका जब देहांत हुआ था तब सचिन तेंदुलकर भी ऐसे ब्लैक कलर का बैंड पहने हुए थे। और क्रिकेट में जो प्रोटेस्ट का बैंड सबसे पहले पहना गया था वो हुआ था हेनरी ओलंगा और एंडी फ्लावर ने मिलकर पहने थे, दोनों अलग अलग बैंड, और वो दोनों प्रोटेस्ट कर रहे थे जिम्बाब्वे सरकार की, और वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था और पहला प्रोटेस्ट था। लेकिन आईसीसी ने इसको खराब नजरों से देखा और उनको इसके बारे में शोकॉज भी करवाए थे, लेकिन उनका जवाब जो था वो आईसीसी को रास आया। और धीरे धीरे कोई भी प्रोटेस्ट अगर करना हो तो ये ब्लैक पैंट पहनते हैं, और कोई दुखद घटना या फिर कोई ऐसे आदमी या फिर कोई ऐसे हस्ती हमारे बीच नहीं रहते जो हमारा जीवन में उनका बहुत अवदान है या फिर क्रिकेट या फिर बहुत बड़े पैमाने पे अवदान है, तो उनको याद करने के लिए ब्लैक पैंट पहना जाता है। कुछ कुछ समय पे ये होता है रीजनल या फिर राष्ट्रीय शो। तो दोस्तों क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।